तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रेसलिंग हिंदी एंटरटेनमेंट। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं तीन WWE सुपरस्टार जिनको WWE ने अपोज़ देना बंद कर दिया है और उनको अब WWE बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखा रही है WWE में। तो कौन ये सुपरस्टार, तो ये जाने के लिए आपको वीडियो को एंड तक जो देखना हो, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो नंबर वन पर आते जेफ हार्डी। तो जेफ हार्डी साल 2021 के जनवरी से ही अभी तक कोई भी मैच नहीं जीता है। मार्च के बाद वो डायरेक्ट हमें मेन इवेंट शो में नजर आए थे, जहां उन्होंने जिंदा महल के साथ मैच लड़े थे, वो उनसे वहां पर भी हार गए थे। और उसके बाद वो हमें पिछले रो में नजर आए, जहां पर वो फिर से जिंदा महल से हार गए और WWE ने उनको अब बिल्कुल भी कुछ देना बंद कर दिया है। और नंबर टू पर आते हैं मुस्तफ़ा अली। तो WWE रॉ में रेट्रीब्यूशन टूटने के बाद से ही WWE मुस्तफ़ा अली को बिल्कुल भी पुश नहीं दे रही है और अभी मुस्तफ़ा अली मेन इवेंट के शो में रिकोसे के साथ फ्यूड में है। लेकिन मुस्तफ़ा अली एक अच्छे रेसलर हैं, उनको एक अच्छी स्टोरीलाइन मिलनी चाहिए। और नंबर थ्री पर जो सुपरस्टार आते हैं, वो सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि फिंड है। तो फिंड को TLC साल 2020 में रैंडी ऑर्टन ने जला दिया था। उसके बाद वो रेसलमेनिया से कुछ समय पहले रिटर्न है और फैंस को लग रहा था कि वो उस मैच को जीतेंगे रेसलमेनिया, बट वो मैच रैंडी ऑर्टन जीत गए और उसके बाद से एलेक्सा ब्लिस उनसे अलग भी हो गए और अभी फिंड का कोई अता पता नहीं है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उस वीडियो को लाइक करना, चैनल बनना, चैनल सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। Oh, 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 oh